गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में फिजिक्स 12th क्लास चैप्टर 5 से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो है किसी दंड चुंबक पर लगने वाला बल युग्मा घूर्ण। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो, इससे क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। वो क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी दंड चुंबक पर लगने वाले बल युग्मा घूर्ण का मेजर। तो इसको समझने के लिए सब आप लोगों को स्टार्ट से लास्ट तक जब बने रहेंगे चैनल में तभी आप समझ पाएंगे। टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी दंड चुंबक पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी दंड चुंबक पर लगने वाला बल युग्मा घूर्ण। अब एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? वह चुंबकीय क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान एक समान हो। दंड चुंबक की जगह पर छड़ चुंबक भी लिखा जा सकता है या चुंबकीय द्विध्रुव, ठीक है ना। बल युग्मा घूर्ण दो बलों में से कोई एक बल दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी का गुणा। बल युग्मा दो ऐसे बल की उनका परिमाण बराबर हो, परस्पर समांतर हो, विपरीत दिशा में हो, क्रिया रेखा समान ना हो, तो बल युग्म, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है मेन बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक, ठीक। तो इसके लिए देखिए पहले एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर ये इंडिकेट करता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या है एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी। और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई हमें एक दंड चुंबक दे लेते हैं, ये रहा, ये है एक दंड चुंबक जिसका नाम है एस एन। इसकी प्रभावकारी लंबाई जो है वो कुरियल है। ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया। यसेल क्या है, एक दंड चुंबक है, और जब दंड चुंबक होगा तो उसमें ध्रुव प्रबल भी होता है, चुंबकीय आघूर्ण भी होता है, प्रभावकारी लंबाई होती है। तो ये प्रभावकारी लंबाई टूएल क्या है, उसकी प्रभावकारी लंबाई। अब ये चुंबकीय क्षेत्र बी में चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया, इसके यस ध्रुव पर एक बल लगेगा F1 बराबर MB, और ये चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा, और यस ध्रुव पर भी एक बल लगेगा F2 बराबर MB। ये यस ध्रुव पर भी एक बल लगता है, यस ध्रुव पर भी एक बल लगता है, और ये दोनों बल देखा जाए तो जितना यन ध्रुव पर है उतना ही यस ध्रुव पर है। दोनों बल जो है परिमाण में बराबर है, दिशा में विपरीत है, क्रिया रेखा समान नहीं है, समांतर भी है। अब दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी की यदि बात करें तो ये यस से पी तक की दूरी लंबवत दूरी हो जाएगी, और ये कोण यहाँ थीटा होगा। चित्र में आप लोगों को बता दें ये इस प्रकार से है, ऐसे ऐसे ये थीटा है और ये भी थीटा है, ये आया हमने दिखाया, ये थीटा, तो ये वाला भी थीटा, और ये एस है, ये पी है, ये एन है, ये टूएल है, और ये लंबवत दूरी है। ये क्या है, लंबवत दूरी, चित्र में यहाँ अलग से देख सकते हो, ये यही वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या किया, देखिए यहाँ पर हमने क्या चित्र में बनाया है, यसेल एक दंड चुंबक है,
यसियल क्या है, एक दंड चुंबक है। इसका ध्रुव प्राबल्य स्मॉल एम होगा, प्रभावकारी लंबाई 2L, चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम। इसे चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रखा गया है, ठीक है। अब यस ध्रुव पर एक बल F1 बराबर MB कार्य करता है, यस ध्रुव पर एक बल F2 बराबर MB कार्य करता है। ये बल जो है चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है। दोनों बल बराबर है, दिशा में विपरीत है, समांतर है, क्रिया रेखा एक नहीं है, बलयुग्म का निर्माण कर रहे हैं। अब बलयुग्म आघूर्ण बराबर होता है दो बलों में से कोई एक बल और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कैसे लाएंगे उसके लिए फिर से देखिए, ये है यस, ये है पी, ये है यंग, ये लंबवत दूरी है, इसको हमने कहा थीटा, ये क्या है 2L, तो ये हो जाए यानी SP बटे SN बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। इस कोण के लिए ये लंब है, ये कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा, तो SP बटे 2L बराबर साइन थीटा, तो SP बराबर कितना आ जाएगा, 2L साइन थीटा आ जाएगा। ये दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी होगी SP का मान, यानी SP का मान जो है वो 2L साइन थीटा होगा, ठीक है। अब दो बलों में से कोई एक बल, तो ये हो गया MB, और लंबवत दूरी का गुणा था 2L साइन थीटा, ये एम और 2L मिला के, एम और 2L मिला के कैपिटल एम चुंबकीय आघूर्ण होता है। अब ये 12वीं क्लास पढ़ने वाले बच्चे समझेंगे, दूसरे क्लास वाले नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए हमने बताया कि ये चैनल पढ़ने वाले बच्चों के लिए है, वो भी 12th क्लास 11th क्लास के जो बच्चे होंगे। अब जब ये 12th का टॉपिक है तो 11th वाले भी नहीं समझ सकते, क्योंकि 12th का है, तो या तो 12th पढ़ने वाले या 12th पास आउट वाले समझेंगे। ये फिल्म संगीत का नहीं है, कोई भी देख लेगा। तो यहाँ पर एम और 2L मिला के क्या होता है, कैपिटल एम चुंबकीय आघूर्ण। अब चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है इसको यदि जानना है तो उसकी प्ले लिस्ट में आप जाएंगे, उसमें बहुत सी वीडियो हैं, उन सब में से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एम और 2L मिला के कैपिटल एम हो जाएगा, तो कैपिटल एम बी साइन थीटा, तो ये हो जाएगा बलयुग्म आघूर्ण का सूत्र, ठीक है। तो ये इसको हम थोड़ा सा लिख के दिखा देते हैं, जो कि एग्जाम में आप लोग लिखेंगे कैसे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे ऐसे एक दंड चुंबक, जिसका ध्रुव प्राबल्य स्मॉल एम प्रभावकारी लंबाई 2L चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M, ये इसमें सब कुछ होगा, है ना। ये लीजिए, मान लीजिए जैसे एक दंड चुंबक है जिसका ध्रुव प्राबल्य स्मॉल M, प्रभावकारी लंबाई 2L, चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम है, यह है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र बी के साथ थीटा कोण पर रखा गया, यह है इतना सब कुछ है। हमने लिख इसलिए दिया कि एग्जाम में आप लोग ऐसा लिखोगी, बोर्ड एग्जाम में जब आएगा तो इतना कर लिया। इसके आगे क्या होगा, कहेंगे यस ध्रुव पर एक बल F1 का कार्य करता है MB, और यन ध्रुव पर एक बल F2 बराबर MB कार्य करता है, ठीक है। अब यहाँ पर दो तो देखिए यहाँ लिखते हैं पर
वल्यपन बराबर एम बी। आइए चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में अयन ध्रुव पर बल F2 बराबर MB, ये है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ठीक। अब ये दोनों बल परिमाण में बराबर है, परस्पर समांतर है, बलियों का निर्माण करते हैं। वॉल्यूम आघूर्ण बराबर दो बलों में से कोई एक बल गुणे दोनों बलों के लंबवत दूरी, ये होता है वॉल्यूम आघूर्ण को प्रदर्शित करते हैं टाउ से। कोई एक बल ले लो तो एम बी, लंबवत दूरी चित्र के अनुसार तो एस पी दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी है। एफ वन बराबर एम बी चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में, एफ टू बराबर एम बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। कहेंगे सर ये कैसे जाने कि ये इस दिशा में होगा इस दिशा में होगा, तो सुनना चुंबकीय क्षेत्र यन से यस होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, इसका अर्थ है कि इधर यन आया है और इस साइड में क्या है एस है, तो ये एन इस यस को अपनी ओर खींच रहा है, इधर यन माना जाता है इधर, तो यन जो है यस को खींच रहा है और उधर यस माना गया तो यस जो है इस यन को खींच रहा है ना, इसलिए ये कट दिया। अब टाउ बराबर एम बी गुणे एस पी, अब एस पी एन त्रिभुज में से एस पी का मान ला देते हैं, देखना समकोण त्रिभुज एस पी एन में एस पी बटे एस एन बराबर साइन थीटा, एस पी बराबर एस एन साइन थीटा, एस एन का मान कितना है टूर, तो ये हो गए एस पी का मान। इस एस पी का मान समीकरण एक में रख दीजिए, एस पी का मान समीकरण एक में रखने पर टाउ बराबर जे एम बी गुणे एस पी का मान टू एम साइन थीटा, और ये और ये मिला के कैपिटल एम होता है ये, तो ये है वॉल्यूम आघूर्ण का सूत्र। यहाँ ये बता दें एम इंटू टू एल बराबर कैपिटल एम चुंबकीय आघूर्ण होता है, चुंबकीय आघूर्ण ये एम और टू एल मिला के कैपिटल एम चुंबकीय आघूर्ण। इसी को सदिश रूप में लिखेंगे तो ये एम क्रॉस बी हो जाएगा, सदिश रूप में लिखेंगे ठीक है ना। अब यहाँ पर यदि हम थीटा का मान जीरो लेंगे तो टाउ का मान सबसे कम होगा, थीटा का मान 90 लेंगे तो टाउ का मान सबसे ज्यादा होगा। इसको भी यदि हम चाहें तो यहाँ लिखा सकते हैं, वो ये है यदि ये थीटा बराबर जीरो अंश तो टाउ बराबर एम बी साइन जीरो, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा सब जीरो हो जाएगा। और यदि हम थीटा का मान 90 अंश लेते हैं तो टाउ बराबर एम बी साइन 90, और साइन 90 का मान एक होगा तो ये टाउ बराबर एम बी ये मैक्सिमम होगा ठीक है ना।
या इधर में चुंबक चुंबकी क्षेत्र के समांतर रहेगा तो थीटा जीरो होगा तो बली हुआ कोण का मान जीरो आएगा, और इधर में चुंबक चुंबकी क्षेत्र के लंबवत रहेगा तो थीटा का मान 90 तो बली हुआ कोण का मान अधिकतम आएगा, ठीक है ना। अब कहोगे 30 अंश पर कितना होगा, थीटा का मान 30 रख दो। 45 पर कहो कितना होगा, थीटा का मान 45 रख दो। 60 पर कितना होगा, थीटा का मान 60 रख दो, है ना। हर केस में आप ला सकते हो, है ना, जिसमें हमने यहाँ जीरो और अधिकतम न्यूनतम के लिए लगा दिया, ठीक है। और भी वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। पूरी फिजिक्स के लिए आप चैनल में सब कुछ प्लेलिस्ट में आप पढ़ सकते हो।